बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम खिलाफत फ़ातिमिया की तासीस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ़ आइमा को मानने वाले शियाई फ़िरके पैदा हो गए, जो अपने अपने सिलसिला इमामत की दावत में मसरूफ़ रहे। इनमें से दो फ़िरके ज़्यादा मशहूर हुए, एक कैसानिया और दूसरा इमामिया। नंबर वन कैसानिया हज़रत अली की गैर फातमी औलाद मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ इमामत को मुंतकिल करता है, जबकि दूसरा इमामिया इनके नज़दीक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन, ज़ैनुलाब्दीन, मोहम्मद बाकर और जाफ़र सादिक यके बाद दीगरे वसीयत के मुताबिक ओहदा इमामत का फ़र्ज़ फ़ाइज़ है। इमाम जाफ़र की औलाद में से चार फर्जंदों ने इमामत का दावा किया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद फ़िरके पैदा हुए। इनमें दो इम्तियाजी दर्जा रखते हैं। असनाए अशरी, इनके मुताबिक इमामत जाफ़र सादिक से मुंतकिल होकर मूसा काज़िम को मिली। मूसा काज़िम के इंतकाल के बाद इनके बेटे अली रज़ा इमामत पर फ़ाइज़ हुए। खलीफा मामून ने इमाम अली रज़ा को अपना वली अहद बनाया तो अब्बासियों ने इसलिए मुखालफत की कि खिलाफत अलविया में मुंतकिल हो रही है। इमाम अली रज़ा के इंतकाल के बाद इनके बेटे मोहम्मद तकी और फिर इनके बेटे हादी इमाम हुए। हादी के बाद इमाम हसन अस्करी इमाम हुए और इनके बाद इमामत के मनसब पर मोहम्मद फ़ायज़ हुए। लेकिन एक दिन मोहम्मद अपने बाप के मकान में दाखिल हो गए कि अचानक गायब हो गए। असनाए अशरी अकीदे के मुताबिक ये इमाम जिंदा हैं और इनका इंतज़ार हो रहा है, इसलिए इनको इमाम मुंतज़र भी कहा जाता है, जो सना अशरी के बारहवें और आखिरी इमाम हैं। नंबर दो पर इस्माइलिया, इमाम जाफ़र सादिक तक ये फ़िरका असनाए अशरी का हम ख़याल है। इनके बाद इख्तलाफात पाया जाते हैं। मूसा काज़िम की इमामत के बजाय इमाम जाफ़र सादिक की इमामत के कायल हैं, जिसकी तफसील ये है कि इमाम जाफ़र सादिक ने पहले अपने बड़े बेटे इस्माइल को जानशीन मुकर्रर किया था, लेकिन बाद में किसी बात पर नाराज़ होकर इनकी नामज़दगी को मनसूख कर दिया और अपने दूसरे बेटे मूसा को नामज़द किया। इस्माइल का इंतकाल अपने वालिद की ज़िंदगी में ही हो गया, लेकिन बाज़ लोगों ने मूसा को इमाम तस्लीम करने से इनकार किया और इस्माइल को असल जानशीन करार देकर इनके बेटे मोहम्मद को अपना इमाम बना लिया। ये लोग इमाम इस्माइल के नाम से इस्माइली कहलाए। इस्माइलिया के नज़दीक इमामत का सिलसिला मोहम्मद बिन इस्माइल पर आकर मुनक़ता हो जाता है, जबकि दूसरे ग्रोह के नज़दीक ये सिलसिला बारहवें इमाम पर ख़त्म होता है। इस्माइली अकायद के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो उनके अकायद ये हैं। नंबर वन, इमामत का मनसब बनू फातिमा के लिए मखसूस है। नंबर दो, इमामत का नस्ब किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि ये मनसब खुदा की तरफ से इमाम के बड़े बेटे को खुद ब खुद वदियत हो जाता है। इसलिए इमाम जाफ़र सादिक अपने बड़े बेटे इस्माइल की जानशीनी को मनसूख करने के मजाज नहीं। नंबर तीन, इमाम इस्माइल मरे नहीं बल्कि मस्तूर हो गए
और आइंदा इनका ज़हूर होगा। नंबर चार, इमाम इस्माइल आखिरी इमाम हैं, इनके बाद इमामत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। हर नंबर पाँच, हर इमाम मासूम है। नंबर छः, इमाम को कवानीन शरिया का तर्जुमानी का आज़ादाना हक हासिल है। नंबर सात, कुरान के ज़ाहिरी मज़मून का एक बातनी मफहूम होता है जिसका इल्म सिर्फ इमाम ही को हो सकता है, यानी कुरान की सदाकत इसके अल्फाज के बातनी मायनों में पोशीदा है। अल्फाज ज़ाहिरी पर्दा हैं, इस बिना पर इनको बातनिया भी कहा जाता है। नंबर आठ, इमाम हर हालत में ज़ाहिर नहीं होता, कभी ज़ाहिर होता है और कभी गायब भी हो सकता है। अब्दुल्ला बिन महमून, इब्तिदा में फ़िरका इस्माइलिया को कोई सियासी या मजहबी अहमियत हासिल ना थी, लोग इन्हें शिया ग्रोह ही समझते थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन महमून ने इसे एक अहम और मुमताज़ फ़िरका बना दिया। इसका बाप शोबदाबाजी में माहिर था और ईरान का रहने वाला था। ये शख्स बातनी तहरीक का कायल और इस तहरीक के बानी का अहम पैरो था। इसके कुछ गुमराह कुन अकायद की बदौलत इमाम जाफर सादिक ने इससे कतई ताल्लुक़ कर लिया था, लेकिन महमून चूँकि बातनी तहरीक के बानी का मद्दा और इन अकायद का पूरी तरह कायल था, बल्कि अलहाद में भी बहुत आगे बढ़ गया था। इमाम जाफर सादिक के इंतकाल के बाद महमून ने अपने बेटे को इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल का एतकाद हासिल करवा लिया और इनका रूहानी बेटा कहना शुरू किया और इमाम मोहम्मद का जानशीन बनाकर इमामत का ऐलान कर दिया। इस तरह अब्दुल्ला बिन महमून को इस्माइल फ़िरके की क़यादत हासिल हुई। वो भी बाप की तरह ज़हीन था, इसने इस फ़िरके को मुनज़्ज़म करके एक बड़ी जमात की शक्ल दी और इस्माइली अकायद की तबलीग व इशात का सिलसिला शुरू किया। इसके लिए बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हर इलाके में अपने दाई रवाना किए। इसके अलावा कई गुमराह कुन अकायद और शोबदाबाजी के कमालात से बहुत से लोगों को गुमराह करके अपना मुरीद बना लिया। लेकिन जब इसके गुमराह कुन अकायद बहुत फैलने लगे तो दीगर शिया फ़िरकों और मुतज़िली फ़िरकों ने इसकी मुखालफत की, जिससे वो भाग कर बसरा चला गया, जहाँ इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम की तबलीग शुरू कर दी और इनके महदी होने का ऐलान किया। लेकिन हुकूमत भी अब इसका ताक़ुब में थी। हुकूमत के खौफ से वो फिर मफरूर होकर सलेमिया जा पहुँचा, जहाँ इसका इंतकाल हुआ। इसने इस्माइलिया अकायद को फ़रोग देने और बनू फातिमा के हक के खिलाफत को हासिल करने के लिए जो मेहनत और जद्दोजहद की, इसमें वो कामयाब ज़रूर हुआ। इस्माइलिया फ़िरके को मुनज़्ज़म करने, इसके अकायद को फ़रोग देने में इसका किरदार भरपूर रहा। और फिर बनू फातिमा ने एक आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत भी हासिल कर ली। फातिमी तहरीक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी हज़रत फातिमा तुलज़हरा से जो औलाद हुई वो फातिमी कहलाई और दीगर औलाद गैर फातिमी या अलवी कहलाई। फातिमी हुकूमत की इब्तिदा 297 हिजरी में शुमाली अफ्रीका से हुई और इंतहा मिस्र में 567 हिजरी में हुई। इसके हुक्मरान फातिमी खुलफा कहलाए। जिस तरह अब्बासियों ने बनू उमैया से हुकूमत हासिल करने के लिए, जिसे वो अपना हक समझते थे, एक तहरीक शुरू की थी, इसी तरह फातिमियों ने भी अब्बासी अहद में अपना हक हासिल करने के लिए एक तहरीक शुरू की, जो फातिमी तहरीक कहलाई। दरअसल अलवी और फातिमी अपना हक हासिल करने के लिए वक्तन वफ़क्तन जद्दोजहद करते रहे। अलवियों ने इस जद्दोजहद में अब्बासी अहद में चंद इलाकों में हुकूमत हासिल की, लेकिन ज़्यादा कामयाबी हासिल ना हो सकी। फातिमी भी इसी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनकी कोशिशें मशरिक में बराबर नहीं हो रही, तो इन्होंने मगरिब का इंतखाब किया
اور جدوجہد اور طویل سفر کے بعد 297 ہجری میں شمالی افریقہ سے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ اب تک جتنی خود مختار ریاستیں یا حکومتیں مثلاً سامانی، سلجوکی، آل بویا، تولونیا، غزنوی، غوری وغیرہ قائم ہوئیں، وہ خلیفہ بغداد کے ماتحت رہیں، لیکن فاطمی چونکہ عباسیوں کے پرانے حریف تھے اس لیے انہوں نے اپنی حکومت کو عباسیوں کی ہر طرح کی گرفت و قیادت سے آزاد رکھا۔ دیگر ریاستوں کے حکمرانوں کا بغداد کی دینی مرکزیت اور سیادت کو تسلیم کرنا گرچہ سیاسی مصلحتوں کی وجہ تھا، لیکن پھر بھی جب تک حکومت بغداد سے تصدیق نہ ہو جاتی کوئی حکومت باقاعدہ تسلیم نہ کی جاتی۔ فاطمیوں نے اپنے حریف اور غاصب حکومت ہونے کے ناطے سے اس طرح کی کسی ضرورت کو بھی سامنے نہ رکھا اور ایک آزاد خود مختار حکومت قائم کر کے عباسیوں کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ یہ حکومت عباسیوں کے لیے بھی سب سے بڑی حریف حکومت تھی۔ تحریک اہل بیت کے ساتھ فاطمی تحریک کے امام اور پہلے حکمران کے نسب میں عموماً اختلاف پایا گیا، لیکن اکثریت نے ان کے نسب کو تسلیم کیا۔ بنی فاطمی دعوت اس زمانے میں کوئی نئی نہ تھی، بلکہ دیکھا جائے تو اس کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا اور اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف آئمہ کو ماننے والے بہت سے شیعی فرقے پیدا ہو گئے تھے جو اپنے اپنے سلسلہ امامت کی دعوت میں مصروف تھے۔ اسی میں عبیدیہ فرقہ بھی پیدا ہوا جو عبید اللہ المہدی کی امامت کا قائل ہوا۔ ان کی دعوت کا سلسلہ بھی مشرق میں تو کافی عرصے سے جاری تھا، لیکن مغرب میں ان کی سرگرمیاں امام محمد الحبیب کے ذریعے سے تیز ہوئیں۔ جس طرح عباسی تحریک کو محمد بن علی نے کامیابی کے ساتھ راستے پر ڈالا اور ابو العباس نے آخری شکل دی تھی، اسی طرح امام محمد الحبیب نے فاطمی تحریک کی اشاعت کر کے عبید اللہ المہدی کے لیے زمین ہموار کی۔ محمد الحبیب تحریک کی دعوت کے لیے 145 ہجری میں ہی امام جعفر صادق نے دو ایام ابو سفیان اور حلوانی کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ جاؤ مغرب کی زمین کو کاش کے قابل بناؤ۔ ان لوگوں نے مغرب میں تحریک کی دعوت کو عام کیا۔ تحریک کے امام محمد الحبیب سلیمیہ کے مقام پر رہتے تھے اور گوشہ عافیت میں بیٹھ کر مشرق و مغرب میں اپنی دعوت کو بڑھاتے رہے۔ ان کا مشہور دائی رستم بن خوشاب تھا جس نے سارے یمن میں ان کی دعوت کو پھیلایا۔ ابو سفیان اور حلوانی نے فاطمی تحریک کو بربر قبائل میں روشناس کرا دیا تھا، اس لیے تحریک بڑھنے لگی۔ اب رستم نے محمد الحبیب کے مہدی ہونے کی دعوت دی اور سارے علاقے میں اس تحریک کو پھیلایا۔ ابو عبداللہ حسن الحیی ایک مشہور دائی تھا، اس نے عباسی تحریک میں ابو مسلم خرسانی کی طرح کردار انجام دیا۔ امام محمد الحبیب کی نظر اس شخص پر پڑی اور فوراً اس کی قابلیتوں کو بھانپ لیا اور اسے رستم بن قشاب کے پاس بھیجا اور ہدایت کی کہ اس کو فاطمی عقائد کی تعلیم و تربیت دینے کے بعد بلاد مغرب بحیثیت دائی روانہ کرو۔ ابو عبداللہ حسن اس کام کے لیے انتہائی موزوں شخص ثابت ہوا۔ رستم نے اس کو ضروری تربیت دے کر مغرب کا دائر مقرر کیا اور وہ دعوت کی اشاعت کے لیے روانہ ہوا۔ شمالی افریقہ جانے سے پہلے وہ مکہ آیا اور یہاں قیام کیا۔ مکے میں مغربی قبائل حج کے لیے آتے تھے، ابو عبداللہ نے یہ موقع مناسب سمجھ کر ان قبائل میں دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا اور انہی قبائل میں سے قبلہ قطامہ سے مل کر
ان کے خیالات معلوم کیے اور ان کو دعوت دیے۔ ابو عبداللہ نے اپنے اخلاق و کردار اور قابلیت و ذہانت سے قطامہ قبیلہ کو اس قدر متاثر کیا کہ واپسی کے وقت قبیلے میں اس کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ ابو عبداللہ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے ہمراہ مغرب کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے زہد و تقویٰ سے ان کے دلوں پر بہت اثر کیا اور روز بروز اس کی وقت ان کی نظروں میں بڑھتی رہی۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو قطامہ قبیلے والوں نے عبداللہ سے پوچھا کہ آپ مصر میں کیا کام کرنا اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ ابو عبداللہ نے جواب دیا کہ تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ اس پر انہوں نے اسے اپنے شہر میں اس تعلیم کے لیے ماحول زیادہ سازگار بتایا اور پرزور طریقے سے اسے اپنے ساتھ شمالی افریقہ لے آئے اور اپنے شہر میں اسے مہمان کیا۔ یہاں اسے اتنی اہمیت ملی کہ ہر شخص کی خواہش ہوئی کہ اسے مہمان بنائے۔ ابو عبداللہ الشیعی بنو قطامہ کے سردار کا مہمان بنا، وہ بھی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنے لڑکے کی تعلیم اور مسجد کی امامت اس کے سپرد کر کے اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔ اس نے انتہائی محنت سے سردار کے بیٹے کی تعلیم کے فرائض انجام دیے، جس پر سردار نے خوشی کا اظہار کیا اور ابو عبداللہ نے اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے فاطمی دعوت کو پیش کیا۔ سردار اس سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ فاطمی دعوت کو فوراً قبول کر لیا اور خود بھی تحریک کی دعوت دینے والوں میں اپنا شمار کیا، جس سے بے شمار لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے اور ابو عبداللہ کا مقصد بڑی تیزی سے پورا ہونا شروع ہو گیا۔ اسی عرصے میں سردار کا انتقال ہو گیا۔ اس نے مرنے سے قبل اپنے خاندان والوں کو ابو عبداللہ کی مدد کرنے کی وصیت کی۔ شیخ یا سردار کے انتقال کے بعد بھی ابو عبداللہ کو بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل تھی، اس لیے اس نے اپنا مشن جاری رکھا اور بڑی تیزی سے اس کو پھیلاتا چلا گیا۔ ابو عبداللہ کی خوش قسمتی سے اسے ایک اور بربری سردار حسن بن ہارون مل گیا، جس کی اسے حمایت حاصل ہوئی۔ اغلبی حکمراں اور الشیعی۔ اس وقت جبکہ ابو عبداللہ شمالی افریقہ میں فاطمی تحریک کے سرگرم دائی کی حیثیت سے تحریک پھیلا رہا تھا، تو یہاں اغلبی حکومت کے حکمراں ابراہیم اغلب کا عہد تھا۔ اس کے کانوں تک ابو عبداللہ کی کارگزاریوں کا ذکر پہنچا تو اس نے اس کے بارے میں معلومات کرائیں، جس پر اسے پتہ چلا کہ ابو عبداللہ نیکی اور عبادت کی تعلیم دینے میں مصروف ہے۔ اس نے اس کی طرف توجہ نہ دی، ادھر ابراہیم اغلب کی توجہ نہ دینے سے فائدہ اٹھا کر الشیعی نے اپنی سرگرمیاں تیز کر کے اپنی قوت بڑھا لی اور شہر میلا پر جب قبضہ کیا تو ابراہیم کو حقیقت کا علم ہوا، لیکن اس وقت تک اس کا وقت آخر آ گیا اور اپنے بھائی کو اس کے مقابلے میں بھیجنے کے بعد 289 ہجری میں ابراہیم کا انتقال ہو گیا اور اس کا جانشین عبداللہ اس کا بیٹا ہوا۔ عبداللہ الشیعی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکا کیونکہ وہ خود اپنے بیٹے کے اختلافات میں مبتلا تھا۔ آخر بیٹے کی سازش سے قتل ہوا اور ابراہیم اغلب کے پوتے زیادت اللہ نے اغلبی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ زیادت کی نااہلی نے فاطمی تحریک کو پھیلنے کا خوب موقع دیا۔ عبید اللہ المہدی کی امامت۔ تحریک کے دوران امام محمد الحبیب کا انتقال ہوا اور ان کا بیٹا عبید اللہ المہدی جانشین ہوا۔ اس وقت تک الحبیب کی امامت
और अल्फियाई की कारकर्दगी से मगरिब में फातमी तहरीक एक बड़े हिस्से में तेज़ी से फैल चुकी थी और उबैदुल्ला जो शाम में थे इनको बराबर तहरीक की कामयाबी की खबरें मिल रही थीं और अबू अब्दुल्ला की तरफ से मगरिब आने की दावत भी मिल चुकी थी। इस वक्त जब यह तहरीक इस मोड़ तक आ गई तो अब्बासी खलीफा मुक्तफी का अहद था और इसने तहरीक को खिलाफत अब्बासिया के लिए ख़तरा जानते हुए और फातमियों को अपना हरीफ समझते हुए इस तरफ तवज्जो दी और उबैदुल्लाह अल-महदी की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। इस तरह अब तहरीक के सामने दो मुखालफीन थे, एक अब्बासी और दूसरे अगलबी। उबैदुल्लाह अल-शियाई की दावत और कामयाबी की खबरों से शाम से मगरिब रवाना हो गए। इसी अरसे में खलीफा बगदाद के फरमान हुक्काम को जारी हो चुके थे, इसलिए जैसे ही वो मिस्र पहुँचे गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन फिर इनको रहा कर दिया गया और इन्होंने सफ़र फिर शुरू किया। इधर दूसरा मुखालिफ ज़ियादतुल्लाह भी इनकी गिरफ्तारी के दर पे था और एकामात हुकाम के नाम जारी कर चुका था। सजलसमासा पहुँच कर हालात ऐसे हुए कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई और सलजसमासा के जेल में कैद कर दिए गए। ज़ियादतुल्लाह गो के ऐश परस्त और नाअहल अगलबी हुक्मरान था, लेकिन अल-शियाई की कामयाबी से इसे भी खटक रही थी। उबैदुल्लाह अल-महदी की गिरफ्तारी के बाद इसकी जानिब से तवज्जो दी और मुकाबले के लिए फौजें रवाना करके खुद भी हसन अल-शियाई के मुकाबले के लिए निकला। इस वक्त तक अल-शियाई इतना असर व कुव्वत हासिल कर चुका था कि शुमाली अफ्रीका के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुका था और बर्बरों के बड़े कबीले इसके ताबे हो चुके थे। फिर भी ज़ियादतुल्लाह और अल-शियाई के दरमियान मारके हुए आखिरी मारका 296 हिजरी में हुआ, जिसमें पिछले मारकों की तरह अगलबी फौज शिकस्त खा गई और शियाई ने अलबस पर कब्जा करके अगलबी कुव्वत को तोड़ दिया। ज़ियादतुल्लाह मिस्र चला गया और हसन अल-शियाई फौज लेकर करवान पहुंच गया। अहले करवान मुकाबले के बजाय इसके इस्तकबाल के लिए तैयार थे। अमायदीन शहर ने पुरजोश इस्तकबाल किया और करवान अल-शियाई के कब्ज़े में आ गया। ज़ियादतुल्लाह के मिस्र जाने से अल-शियाई को मुखालफत का डर न था और कामयाबी भी करीब थी, इसलिए करवान से वो राकता चला गया। करवान की तरह यहाँ भी इसका इस्तकबाल हुआ। यहाँ इसने सबको अमान दी और ज़ियादतुल्लाह का माल व असबाब अपने कब्ज़े में किया। रकादा तक पर कब्ज़ा करने के बाद इसने चंद रसूम जारी किए। नंबर एक, फजर की अजान में अस्सलातु खैरु मिनन्नौम की बजाय हैया अला अल-खैरुल अमाल दाखिल किया। नंबर दो, खुतबों में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पंचतन पर सलाम भेजने का हुक्म दिया। नंबर तीन, तरावी बंद कर दी। नंबर चार, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुखालफीन से पनाह मांगने का हुक्म जारी किया। इसके अलावा इसने कतामा कबीले के लोगों को हियत की तकलीफ पर मामूर किया। उबैदुल्लाह अल-महदी अब तक सजलसमासा में कैद थे। हसन अल-शियाई ने रकादा के इंतज़ाम के बाद अपने आका व इमाम को छुड़ाने का इंतज़ाम किया और एक फौज लेकर सलजसमासा गया, जहाँ देगर तमाम कबाइल इसकी शान व अजमत के गर्विदा होकर अतात कबूल करने पर तैयार हो गए। अल-शियाई ने जेल खाने पर हमला करके अपने इमाम को छुड़ा लिया
और सलजस्मा स में 40 दिन के कयाम के बाद अपने आका के हमरा 297 हिजरी में रकादा में दाखिल हुए और इनके हाथ पर बैत करके खलीफा तस्लीम किया गया। आम बैत के बाद शुमाली अफ्रीका के तमाम मेंबरों पर उनके नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। इस तरह तहरीक के एक तवील सफ़र के बाद फातमियों ने भी अपने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत अब्बासियों के पहलू में कायम करके वाज़े कर दिया कि इनकी हरीफ हुकूमत भी दीनी हैसियत की हामिल है। उबैदुल्लाह अल-महदी ने तख्तनशीनी के साथ ही अपने दाई तमाम मुल्क में फैला दिए ताकि मजहब की शाद हो। तमाम मुल्क में आमिल वाली मुकर्रर करके बाकायदा हुकूमत शुरू कर दी। तहरीक की कामयाबी के असबाब कुछ इस तरह हैं कि फातमी तहरीक मुख्तलिफ हालात के बावजूद कामयाबी से हमकनार हुई। इसकी कामयाबी के मुख्तलिफ असबाब हैं। नंबर एक, बगदाद से दूर मगरिब का इंतखाब किया गया। फातमियों ने अपने हक खिलाफत को एक अरसे से खामोश दावत मशरक में फैलाई, लेकिन जब उन्होंने अपनी कोशिशों को ज़्यादा कामयाबी की तरफ ना देखा तो मगरिब का इंतखाब किया जो बगदाद से कोसों दूर था और यहाँ मरकज़ खिलाफत की गिरफ्त हमेशा सुस्त रहती थी। मगरिब का इंतखाब इनकी कामयाबी का ज़ामिन बन गया। इमाम जाफर सादिक ने सबसे पहले दो दाई मगरिब की ज़मीन को काश के काबिल बनाने के लिए भेजे, जिसका मतलब ये था कि मगरिब को तहरीक की दावत के लिए हमवार करो। इससे तहरीक ने कामयाबी हासिल की। खिलाफत अब्बासिया का मगरिब की तरफ मुतवज्जा ना होना। खिलाफत अब्बासिया की मगरिब की तरफ तवज्जा शुरू ही से कम रही और इस वजह से इस्लाम के अक्सर मुखालफीन यहाँ पनाह लेते थे। शियाई और खवारिज भी अब्बासियों के हरीफ थे और यहाँ पनाह तलाश करते थे। मगरिब अक्सा में इदरीसियों ने भी कब्ज़ा कर लिया था। यहाँ अब्बासी हुक्मरानों की तवज्जा कम होने से माली हालत भी कमज़ोर थी और इसी का माली बोझ मरकज़ के ऊपर था, इसलिए इब्राहिम अगलब को ये इलाका दिया गया था। अब्बासी हुकूमत का तवज्जो ना देना इस इलाके में फातमी तहरीक के लिए कामयाबी का सबब बन गया था। नंबर तीन, अगलबी हुकूमत का सवाल। अगलबी हुकूमत के जवाल ने तहरीक की कामयाबी में बड़ी मदद दी। इनके हुक्मरानों का इत्तेहाद ख़त्म हो गया और ख़ानदान में इख्तलाफात और खाना जंगियाँ शुरू हो गईं और सियासी इनकलाब के लिए ज़मीन हमवार हो गई और तहरीक कामयाब होने लगी। ज़ियादतुल्लाह ने मुकाबला किया लेकिन काबू ना पा सका। नंबर चार, खिलाफत अब्बासिया का दौरे इन्हताक। जिस वक्त फातमी तहरीक ने इब्तदाई मराहिल तय करके आगे कदम बढ़ाया, अब्बासी खिलाफत का दौर इन्हताक था। सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में खुद मुख्तार रियासतें जन्म ले चुकी थी। खुलफा कमज़ोर थे और वज़रा या उमरा के हाथों में थे, इसलिए ये तहरीक जल्द कामयाबी की तरफ रुख करती रही। नंबर पाँच, बर्बरों का तासुब। तहरीक की हिमायत करने वाले बर्बर थे जो हुकूमत अब्बासिया से तासुब रखते थे और किसी ऐसे इक्तदार के मतलाशी थे जो उनके हुकूक का तहफ्फुज कर सके। इस तासुब के पेश नज़र बगावतें भी करते रहते थे और अपने अरब व हाकिमों के भारी टैक्स से भी नाला थे। इसने तहरीक की हिमायत करके इसको कामयाब बनाया। इसके अलावा ये बर्बर जाहिल और बातिल परस्त थे। ऐसे लोगों का जहन किसी भी तहरीक को जल्द कबूल कर लेता, इसलिए इन लोगों ने तहरीक को कबूल करके फातमियों का खैर मकदम किया। नंबर छः, दाइयों का इत्तेहाद। अब्बासी दाइयों की तरह फातमी दाइयों में भी इत्तेहाद इस तहरीक की कामयाबी का सबब बना। दाइयों ने इंतहाई मेहनत से
तहरीक को रोशनास कराया। इनमें पहले दो दाई अबू सुफियान और हलवानी काबिले ज़िक्र हैं, जिनकी काविशों ने मगरिब में तहरीक को रोशनास करवाया और कामयाबी के रास्ते दिखाए। नंबर 7, अबू अब्दुल्ला अलशियाई। अबू मुस्लिम खरसानी की तरह अबू अब्दुल्ला अलशियाई भी फातमी तहरीक के लिए अहम सतून साबित हुए। तहरीक में इसने अपना किरदार इस तरह अदा किया कि पूरी वफादारी का सबूत देकर दावत को फैलाया, उबैदुल्ला को कैद खाने से छुड़ा कर इनके हाथ पर बैत की। इस तरह फातमियों को गोया खिलाफत इसी ने दिलाई। बनु उमैया को उमर बिन आस ने, अब्बासियों को अबू मुस्लिम खुरसानी ने, और फातमियों को खिलाफत दिलाने का सहारा अबू अब्दुल्ला अलशियाई के सर है। नंबर 8, कबीलाए कुतामा। यूँ तो फातमियों को आम बरबरों की हमायत हासिल रही, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम कबीला कुतामा था। अलशियाई ने इन पर पहले असर जमाया और कुतामा के सरदार ने अपने हाँ मेहमान बनाया। फिर इसी सरदार ने तहरीक की दावत को कबूल किया और ख़ुद भी इसका दाई और मुबल्लिग बन गया। इस कबीले की पुरजोर हिमायत और तहरीक कबूल करना कामयाबी का सबब बना। नंबर 9, फ़िरके का अकीदा। कामयाबी की वजह असना शरिया फ़िरके का ये अकीदा था कि इमाम महदी रुपोश हो गए हैं और इनका किसी वक्त ज़हूर हो सकता है। इस अकीदे से फातिमी दाइयों ने पूरा फ़ायदा उठाया। इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि महदी मुंतज़िर के मज़हूर होने वाला है। इसका असर अहम हुआ और अकीदे को मानने वाले तहरीक की दावत में शामिल हो गए। नंबर 10, अरब हुकाम का जुल्म व नाइंसाफ़ी। अरब हुकाम ने अपने अदल व इंसाफ के औसाफ को बालाए ताक रख दिया और अवाम पर जुल्म व नाइंसाफ़ी शुरू कर दी, खुसूसन बरबरों से मसावात कायम ना रखी, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने इनके बजाय फातमी दाई के हाथ पर बैत कर ली कि शायद इनके ज़रिए हमें इस जुल्म व नाइंसाफ़ी से छुटकारा मिल सके। पिछली हुकूमतों की रिवायत अहले मगरिब के सामने बनु उमैया और बनु अब्बास की रिवायत थी कि बनु उमैया ने अरबों के ज़ोर पर हुकूमत हासिल की और इनको हुकूमत में दखल अंदाज करके वौकियत दी गई। अब्बासी हुकूमत अजमियों के बलबूते पर कायम हुई, इसलिए अब्बासियों ने अजमियों को आगे बढ़ाया और उरूज दिया। अहले मगरिब यानी बरबर भी ऐसे ख़ानदान की हिमायत करना चाहते थे जो उनको उरूज दे, इसलिए तहरीक का साथ दिया कि कामयाबी के बाद हमें फौकियत दी जाएगी। अबू अब्दुल्ला अलशियाई की दावत में इनको अपना ये मकसद पूरा होता नज़र आया और अलशियाई ने जब इनको मुतासिर किया तो अहले बैत की हिमायत का ज़रिए मौका मुयसर आ गया, जिनसे बेहतर दीनी व दुनियावी एतबार से कोई और नेमुल मदल उनके नज़दीक नहीं हो सकता था। फातमी खिलाफत की इब्तदा उबैदुल्ला अल महदी से होती है। महदी का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू मोहम्मद और लकब महदी बिल्लाह था। 297 हिजरी में तख्त खिलाफत पर बैठा और अमीरुल मोमिनीन का लकब इख्तियार किया। दीगर हुक्मरानों की तरह महदी को भी तख्त खिलाफत पर बैठते ही कई बगावतों और मुखालफतों का सामना करना पड़ा। महदी फातमी खिलाफत को पायदार बुनियादों पर कायम करना चाहता था, इसलिए कि ज़रूरी था कि वो इन मसाइल को पहले हल करे जो इसके सामने थे, मसलन निज़ाम हुकूमत की सलाह, बागियों का इस्तेहसाल, अबू अब्दुल्ला अलशियाई का बढ़ता हुआ इक्तदार, शोरिशों का सद्दबाब और दारुल खिलाफा की तामीर। इसने तमाम मसाइल को बड़ी खूबी से हल करके फातमी खिलाफत को पायदार बुनियादों पर कायम किया। 322 हिजरी में महदी ने इंतकाल किया। महदी की मुद्दत हुकूमत 25 वर्ष थी और उनके वफात 25 वर्षों में इसने मुल्क में
अमन व अमान कायम किया और हुकूमत के बुनियादों को मज़बूत किया, जिससे इसे कामयाब हुक्मरानों की सब में शुमार किया जाता है। वफात से पहले मेहदी ने अपने बेटे अबुल कायम को अपना जानशीन बनाया। मेहदी के इंतकाल के बाद इसका बेटा अबुल कायम मोहम्मद इमाम हुआ। इसने कायम बमरुल्लाह का लकब इख्तियार किया और हुकूमत के वक्त इसकी उम्र 67 साल की थी। वो 275 हिजरी में सलेमिया बरशाम के शहर में पैदा हुआ। अलमगरिब में इसको मोहम्मद के नाम से पुकारा जाता था और मशरिक में अब्दुर्रहमान कहा जाता था। कायम के ज़माने में कई बगावतें हुईं और बहुत से इलाके फतह किए। कायम ने बतारीख 13 शव्वाल 334 हिजरी में वफात पाई। वफात से पेशतर इसने अपने लड़के मंसूर को अपना जानशीन करार दिया। इसकी मौत की खबर छुपाई गई क्योंकि अबू यजीद की बगावत का जोर भी काफ़ी तौर पर टूटा ना था और वो सोसा के महासरा किए हुआ था। अल मंसूर बल्लाह 334 हिजरी त 341 हिजरी। 334 हिजरी में कायम के इंतकाल के बाद अबू ताहिर इस्माइल तख्त हुकूमत पर बैठा और मंसूर बिल्लाह का लकब इख्तियार किया। हुकूमत हासिल करते ही मंसूर ने ये कोशिश की कि अबू यजीद की बगावत जो कायम करके अहदे से इसे जारी थी जल्द ख़त्म करें। कायम के इंतकाल के वक्त अबू यजीद सोसा का महासरा किए हुए था। सोसा चूँकि साहिली मकाम था, इसलिए मंसूर ने एक ज़बरदस्त जंगी बेड़ा याकूब बिन इसहाक की सरकर्दगी में रवाना किया और ख़ुद भी जंग के लिए निकला। मंसूर का भेजा हुआ बेड़ा नहायत मजबूत था, इसलिए अबू यजीद इसका मुकाबला न कर सका और करवान भाग गया। यहाँ के लोगों ने इसे शहर में दाखिल ना होने दिया, जिस पर वह सबस्ता की तरफ भागा। मंसूर ने करवान के बाशिंदों को अमान दी। अबू यजीद ने कोशिश की कि मंसूर के लश्कर का मुकाबला करके, इस सिलसिले में इनके दरमियान कई लड़ाइयाँ हुईं लेकिन नतीजा ना निकला। 335 हिजरी में मंसूर ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया जो इसे तरतीब दी और सारे लश्कर को लेकर अबू यजीद पर हमला आवर हुआ। अबू यजीद शिकस्त खाकर अक्सा से मगरिब की तरफ भागा। अबू यजीद कुछ अरसे तक रू पोश रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो बनी पजाल को साथ लेकर फिर मंसूर के लश्कर के मुकाबले करने पर आमादा हुआ। दोनों के दरमियान एक बार फिर मतई जंगें हुईं। बिलाखिर किला कुतामा पर एक फैसला कुन लड़ाई हुई जिसमें अबू यजीद जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ। मंसूर ने इसे कैद कर दिया। 336 हिजरी में इसके ने कैद खाने में ही वफात पाई। मंसूर बड़ा दलेर और मुस्तकिल मिजाज हुक्मरान था। इसने अपने दौर में बड़ी बड़ी बगावतों को ख़त्म किया, ख़ास तौर पर अबू यजीद की बगावत को ख़त्म करना इसके दौर का इंतहाई अहम वाक़िया है, क्योंकि मंसूर अगर इस तरफ तवज्जो न देता तो मुमकिन था कि यह बगावत नाजुक तरीन सूरत इख्तियार करके खिलाफत फातिमा का वजूद ही ख़त्म कर देती। बाद मौर्रखीन मंसूर का मुकाबला अब्बासी सल्तनत के खलीफा दोयम अबू जाफर मंसूर से करते हैं, क्योंकि दोनों की हुकूमतों में बगावतें हुई और हालात ख़राब होने के बावजूद दोनों कामयाब भी हुए और दोनों ने अपनी हुकूमतों को मजबूत किया। उसकी वफात 341 हिजरी में हुई। इसकी मुद्दत खिलाफत 7 साल तक रही। मंसूर की वफात के बाद 341 हिजरी में इसका बेटा साद इसका जानशीन हुआ। इसने अपना लकब मुइज़्ज़ुद्दीन रखा। मेहदी की तरह मंसूर की वफात की खबर भी तकरीबन 2.5 महीने तक छुपाई गई। 2.5 महीने के बाद माज की बैत हुई। अलमाज फातमी ख़ानदान का सबसे बड़ा फातह तस्लीम किया जाता है। इसकी तख्तनशीनी के पहले साल ही मराकश के बाद कबाइल ने इसकी हुकूमत तस्लीम कर ली, जिससे उसे बड़ी हद तक इत्मीनान हो गया।
344 हिजरी में इसने सकीलिया के गवर्नर हुसैन बिन अली को लिखा कि तुम जंगी बेड़ा लेकर मुल्क स्पेन इंदलस के साहिल पर हमला करो। हुसैन बिन अली को इसमें कामयाबी हुई और वह बहुत सा माल गनीमत लेकर लौटा। माज के असल हमले के जवाब में इंदलिस के खलीफा ने भी गालिब के मातहती में एक बहेरी बेड़ा देकर अफ्रीका के साहिल पर हमला के लिए भेजा, लेकिन उम्मीदों का यह हमला कामयाब ना हो सका। अलमईस के अहद में अक्षंदी ख़ानदान मिस्र पर हुकूमत कर रहा था। 354 हिजरी में अक्षंदी हाकिम का फोर का इंतकाल हो गया और एक 11 साल का बच्चा इसका जानशीन हुआ, जिससे मुल्क में बदनज़मी फैल गई क्योंकि शामियों ने इस कमसिन जानशीन को मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ बगदाद भी खाना जंगियों के भंवर में था, जिससे अलमुइज़ ने फ़ायदा उठाया और एक सरदार जौहर को फौज देकर मिस्र की फतह के लिए रवाना किया। 357 हिजरी में जौहर अपने लश्कर के साथ कारवान से रवाना हुआ। सबसे पहले इसने इस्कंदरिया का रुख किया। बग़ैर किसी जानी व माली नुकसान के ये शहर जौहर के कब्ज़े में आ गया। यहाँ जब वह आगे बढ़ा तो मिस्र में बड़ी हलचल मच गई। अहले मिस्र बहुत घबरा गए और अबू जाफिर मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह को सफ़ीर बनाकर मसाहलियत के लिए जौहर के पास रवाना किया। अबू जाफर मुस्लिम जौहर के पास पहुंचा तो जौहर ने मिस्रियों के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए। जब वफ्द वापस आया तो बाद अक्षंदियों ने सुलह की मुखालफत की और जौहर की फ़ौजों को मिस्र में दाखिल होने से रोकने के लिए जैज़ा की तरफ बढ़े। जौहर हालात देखते हुए इनके मुकाबले के लिए रवाना हुआ, लेकिन बाद मिस्रियों ने जौहर से फिर मुसालहत कर ली और इसकी अतात कबूल कर ली। अब जौहर के सामने सिर्फ चंद लोग थे जो इसकी मुखालफत पर तुले हुए थे। जौहर ने अपने सिपहसालार को इनकी सरकोबी के लिए भेजा। फरीकेन में मुकाबला हुआ, जिससे बहुत से अक्षंदी भाग निकले। बाकी मानदा ने सुलह कर ली। जौहर 358 हिजरी में फातेहाना मिस्र में दाखिल हुआ और दारुल सल्तनत फस्ताद के दरवाज़े पर उमरा व वज़रा ने इसका इस्तकबाल किया। इसने उमर बिन आस की मस्जिद में खुतबा में अब्बासी खलीफा के नाम की जगह मुईज़ का नाम दाखिल किया और 359 में जौहर ने एक कत्ता ज़मीन मुंतखब करके एक नए शहर की बुनियाद डाली, जिसका नाम काहिरा मुआज़िया रखा। इस शहर की इब्तदा जमाद अल आखिर 359 में हुई और 2.5 साल में इसकी तकमील हुई। शहर की तकमील के बाद जौहर ने मुईज़ को बुला भेजा। इसने अफ्रीका पर अपने वज़ीर यूसुफ बिलकेन को वाली मुकर्रर किया और ख़ुद 362 हिजरी में मिस्र पहुंचा, जहां इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुईज़ के मिस्र के आने के बाद काहिरा दारुल सल्तनत मुकर्रर हुआ। काहिरा की तामीर के बाद जौहर ने इसमें एक जामा मस्जिद बनवाई, जिसका नाम जामा अजहर रखा गया, जो बाद में इब्ने तौलून के बाद काहिरा की कदीम तरीन मस्जिद है। इसे जामा कबीर भी कहते हैं क्योंकि वस्त के लिहाज से भी इसे अहमियत हासिल है। दमिश्क मिस्र की अक्षंदी सल्तनत में शामिल था। जब मिस्र फतह हो गया तो जौहर ने इसकी तरफ पेशकदमी की और दमिश्क के हाकिम हुसैन बिन अब्दुल्लाह को शिकस्त देकर इस पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह फातिमी खिलाफत दमिश्क तक वसी हो गई। करामता इस्माइली मज़हब का एक मुतशद्दिद और तफरका परताज फ़िरका था और अपने कायद हमदान करामता की तरफ मंसूब होने की वजह से करामती कहलाए। ये एक इंतशार पसंद फ़िरका था और इसके हमले अक्सर दमिश्क पर होते रहते थे। वो अरब, शाम और मिस्र के इलाकों में रईसों और सरदारों से टैक्स वसूल किया करता था। जौहर ने जब दमिश्क फतह कर लिया तो करामता की आमदनी का ज़रिया ख़तरे में पड़ गया।
इसलिए वो जाफर को मिस्र से निकाल देने पर तुल गए। उस मकसद के लिए उन्होंने अब्बासी खलीफा मतीह से भी मदद हासिल करने की कोशिश की और अब्बासी खलीफा ने उनकी मदद की, जिससे करामतार को ने कोफा के रास्ते दमिश्क पर चढ़ाई कर दी और फातिमी जनरल जाफर को शिकस्त देकर इसे कत्ल कर दिया। फिर दमिश्क पर तसल्लुत हासिल करने के बाद शाम के दूसरे मकामात पर कब्ज़ा किया और मिस्र पर हमले की तैयारी की। जब जौहर को इन सरगर्मियों की इतला मिली तो इसने भी अपनी फ़ौज मुनज़्ज़म की, इसके मुकाबले के लिए निकला और इनसे ज़बरदस्त मुकाबला करके पस्पा कर दिया, जिससे करामता को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जौहर ने इब्ने मोहब्ब अकीली को दमिश्क का हाकिम मुकर्रर किया, जिसने करामती को शिकस्त देकर दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन ये कब्ज़ा देरपा साबित ना हुआ, इसकी फ़ौज ने शहरियों पर मजालिम ढाए, जिससे अहले शाम इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और इससे जंग शुरू कर दी। इस जंग में वो मुकम्मल तौर पर कामयाब तो ना हो सके, अलबत्ता इस हद तक कामयाबी हासिल कर ली कि फातिमी गवर्नर को हुकूमत करने का मौका ना दिया और मुल्क शाम एक अरसे तक इंतशार की हालत में रहा। फिर अब्बासियों ने इस पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया और दमिश्क फातिमी खिलाफत से हमेशा के लिए अलहदा हो गया। 365 हिजरी में अल-मुइज़ ने वफात पाई, इसकी मुद्दत खिलाफत 24 बरस रही। फातिमी तारीख में अल-मुइज़ का अहद इंतहाई अहमियत का हामिल है। 20 साल मगरिब में हुकूमत करने के बाद वो काहिरा पहुंचा, इसको अपना दारुल खिलाफा बनाया। फातिमी ने मिस्र में ये पहला हुक्मरान था जिसने बनू फातिमा की हुकूमत की बुनियाद व मिस्र व शाम वगैरह में कायम की। इसने अपनी हुकूमत में मिस्र को वो रौनक बख्शी जिसकी वजह से काहिरा दूसरे बड़े इस्लामी शहरों का मुकाबला करने लगा। अल अज़ीज़ बिल्लाह 365 हिजरी त 386 हिजरी। मुइज़ की वफ़ात के बाद 365 हिजरी में इसके बेटे अबू मंसूर के हाथ पर बेत की गई। अबू मंसूर ने अल अज़ीज़ लकब इख्तियार किया। अल अज़ीज़ से पहले इसका बड़ा भाई अमीर अब्दुल्ला मुइज़ का जानशीन नामज़द हुआ, लेकिन 364 हिजरी में इसका इंतकाल हो गया और अल अज़ीज़ वली अहद नामज़द हुआ। अल अज़ीज़ को खलीफा बनते ही अफ्तगीन की बगावत का ख़त्म करना पड़ा, जो मुइज़ के दौर से ही बगावत पर आमादा था। मुइज़ इसके मुकाबले की तैयारी कर रहा था कि इसका इंतकाल हो गया, जिससे अफ्तगीन को अपनी कुव्वत जमा करने का मज़ीद मौका मिल गया और इसने शाम के साहिल पर इन शहरों को फतह करने के लिए कदम बढ़ाया जो बनू फातिमा के कब्ज़े में थे। पहले इसने सीदा का महासरा किया, फिर तबरिया और इसके नवाह के शहरों को लूटता हुआ दमिश्क वापसी हो गया। अज़ीज़ को अफ्तगिन के इस इकदाम की खबर मिली तो जौहर सकीली को 325 हिजरी में एक बड़े लश्कर के हमरा शाम भेजा। जौहर ने शाम पहुंचकर दमिश्क का महासरा कर लिया, लेकिन हालात ने ऐसा रुख अख्तियार किया कि जौहर को महासरा छोड़कर वापस जाना पड़ा। लेकिन अफ्तगिन और करामता ने रमलान तक जौहर का पीछा किया, जिससे मजबूर होकर जौहर ने अफ्तगिन से सुलह की बातचीत शुरू की, लेकिन करामता ने इसे सुलह से रोका और जौहर मिस्र वापस हो गया। अल अज़ीज़ के लिए अफ्तगिन की बढ़ती हुई ताकत को कुचलना ज़रूरी था। जौहर की वापसी के बाद अल अज़ीज़ जौहर के साथ लेकर ख़ुद अफ्तगिन के मुकाबले के लिए रवाना हुआ। रमला पहुँच कर फरीकें में लड़ाई हुई। अफ्तगिन ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ और दिलेरी का मुजाहरा किया, जिससे अज़ीज़ बहुत मुतासर हुआ और सुलह की बात की, लेकिन करामती फिर आड़े आ गए, जिस पर अज़ीज़ ने ज़बरदस्त पैमाने पर मुखालफीन पर हमला कर दिया, जिससे अफ्तगिन और करामती भाग गए। लेकिन अफ्तगिन को गिरफ़्तार करने में अज़ीज़ कामयाबी हुई। गिरफ़्तारी के बाद अज़ीज़ ने इससे दोस्ताना सलूक किया।
और उसका माल वापस किया और इसे हाजिब का दर्जा दिया। 372 हिजरी तक वो इस तरह रहा कि एक दिन इसे जहर देकर मार डाला गया, जो गालिबन वज़ीर याकूब से इसकी दुश्मनी का नतीजा था, क्योंकि वज़ीर याकूब इससे हसद करने लगा था। फातिमी खिलाफत का क़याम बरबरी कौम की मदद से हुआ, इसीलिए हुकूमत के क़याम से अज़ीज़ के दौर तक दीगर शोबों के अलावा फ़ौज में भी बड़ा अंसर इसी कौम का था, लेकिन ज़माने के साथ साथ इनकी कारकर्दगी और वफादारी में फ़र्क आने लगा और इस फ़र्क की वजह गालिबन ये थी कि ये ज़िंदगी के हर शोबे पर छा गए थे और इससे इक्तदार ने इन्हें मगरूर बना दिया था। वो समझने लगे थे कि फातिमी खिलाफत महज इन्हीं के बलबूते पर कायम हुई है, इसलिए इनमें खुद सरी का अंसर भी शामिल हो गया था और अब इनका मंशा ये था कि फातिमीन का सिलसिला ख़त्म हो जाए और मिस्र में एक बार बरबरी हुकूमत कायम हो। अज़ीज़ ने इनकी खुदसरी और इस मंशा को समझ लिया और इसे यह यकीन हो गया कि बरबरी कौम अब भरोसे के काबिल नहीं रही, तो इसने तुर्क और दरियम की एक फौज तैयार करने की कोशिश की और इसके लिए अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और दलीमी गुलाम खरीदे और फ़ौज में भर्ती करे ताकि बरबरी लश्कर की कुव्वत कम हो जाए। इस तरह फातिमी खिलाफत में पहली बार अज़ीज़ के दौर में तुर्की अंसर का ज़हूर हुआ, लेकिन यही अंसर फातिमियों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। जिस तरह अब्बासी खिलाफत में खलीफा मुतसिम की तुर्क नवाजी ने अब्बासी खिलाफत के लिए आफत नागानी साबित हुई थी। 386 हिजरी में अज़ीज़ ने वफात पाई, इसकी मुद्दत खिलाफत 21 बरस रही। हाकिम बमरिल्ला 386 हिजरी तो 411 हिजरी अलअज़ीज़ की वफात के बाद इसका बेटा अबू अली हुसैन तख्त नशीन हुआ और हाकिम बमरिल्ला लक़ब इख्तियार किया। अलअज़ीज़ ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर किया था जबकि इसकी उम्र 8 वर्ष थी और तख्त खिलाफत पर बैठने के बाद भी हाकिम सिर्फ 11 साल का था। फातिमी खिलाफत का ये पहला कमसिन हुक्मरान था। इसकी कमसिनी की बदौलत कुछ दिनों तक हुकूमत की बागडोर उमरा के हाथों में रही, जो फातिमी खिलाफत के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हुई क्योंकि तुर्कों और बर्बरियों की कश्मकश शुरू हुई और अल हाकिम अपनी कमसिनी और नातजर्बाकारी की वजह से इन तबकों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और फातिमी खिलाफत को नुकसान उठाना पड़ा। फातिमी खिलाफत कुतामा की मादी इमदाद के सहारे वजूद में आई, इसलिए वो हमेशा हुकूमत के कामों में और सियासी हिकमत अमली पर असरानंदाज होते रहे। हाकिम तक नशीन होते ही बरबरों की असरार पर अपने ईसाई वजीर ईसा बिन कस्तूस को माजूल करके हसन बिन अम्मार कतामी को इसकी जगह मुकर्रर किया, लेकिन तुर्कों को हसन बिन अम्मार का ये इक्तदार पसंद ना आया और उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी, जिसने तुर्कों और बर्बरों में मुस्तकिल झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली। हाकिम ने इन झगड़ों से मजबूर होकर हसन बिन अम्मार को माजूल करके बर्जवान तुर्की का तकर्रुर किया। अब बर्बरों की तरफ से ये खशायत ज़ाहिर हुए कि तुर्की हर शोबे पर छा रहे हैं, जो इनके जवाल की अलामत हैं, इसलिए बर्बरों ने अपना इक्तदार हासिल करने के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म करके हाकिम के कत्ल का मंसूबा बनाया। इनकी ये कोशिश तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन इस रकाबत ने नाजुक सूरत इख्तियार कर ली और बर्बर व तुर्क बाकायदा आपस में बरसरे पैकार हो गए। बर्जवान तुर्की के मसनत वजारत पर आने के बाद अब इसकी हुकूमत की बागडोर हाथ में थी, जिससे इसने पूरी तरह फ़ायदा उठाया और तुर्कों को मज़ीद आगे बढ़ना शुरू किया। इसने शाम के वाली सुलेमान को माजूल करके इब्ने हमसामा को शाम का वाली मुकर्रर किया। सुलेमान का ताल्लुक बर्बर तबके से था,
इसलिए इसकी और इब्ने हमसामा की आपस में जंग शुरू हो गई जो बाज़ाहिर इक्तदार की रस्साकशी थी, लेकिन दरअसल ये भी बर्बरों और तुर्कों की ही कश्मकश थी। अब ये कबाइली जंग मिस्र से शाम में भड़क उठी। आखिरकार नतीजा सुलेमान की शिकस्त सूरत में निकला और वो शिकस्त से कत्ल हुआ, लेकिन इस कत्ल के ये आग सब न हो सकी और मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ सरदार काबिज हो गए। इब्ने हमसामा सुलेमान शिकस्त दे चुका तो इसे इतला मिली कि रोमियों ने सवाहिल शाम पर हमला कर दिया, इसलिए तमाम काम छोड़कर इसे इस तरफ तवज्जो देनी पड़ी। कामिया के करीब दोनों के दरमियान जंग हुई जिसमें इब्ने हमसामा को कामयाबी हुई और रूमी फौज शिकस्त खा कर भाग गई। इब्ने हमसामा रूमियों को शिकस्त देने के बाद फातहाना तौर पर दमिश्क के बाहर खैमा जन हुआ। अहले दमिश्क एक अरसा से फातमीन से जंग कर रहे थे और खिलाफत इनसे आजीज आ चुकी थी, इसलिए इब्ने हमसामा को इन्होंने ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। फतह का जश्न मनाने के बहाने तमाम सरदारों और सरगना अफराद को मदऊ किया और इनको अपनी तरफ से अच्छे मायल करने वाली सोची समझी स्कीम के तहत इनका मुहासरा करके कत्ले आम शुरू कर दिया। इनकी तादाद 3000 तक पहुंच गई। सारा शहर सन्नाटे में छा गया। बर्बरों और रोमियों के मुकाबले में मुसलसल कामयाबियों ने बरजवान तुर्की को मगरूर बना दिया और वो तमाम सिया व सफ़ेद का मालिक अपने आप को समझने लगा और ऐशो इशरत का शिकार हो गया। हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद हाकिम ने हुसैन बिन जौहर को अपना वजीर बनाया और कुछ अहकाम नाफिस किए। इसके बाद अहकाम ऐसे थे जो अजीब व गरीब थे और जिनसे ज़ाहिर होता था कि वो जहनी तौर पर गैर मुतवाजन था। इसने जो अहकाम जारी किए थे वो ये थे। नंबर एक, खुतबे में इसके नाम के साथ सैयदना मौलाना के तारुफी कलमात ना कहे जाएं, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन कहा जाए। इस हुकुम की खिलाफ वर्जी पर कत्ल की सज़ा मुकर्रर की गई। नंबर दो, रूमी और सासानी दरबार की तमाम रसूम फौरन मनसूख की जाएं। नंबर तीन, लोग इसके सामने सजदा रेज ना हों। नंबर चार, दरबार शब में मुनक्कद किया जाए और तमाम लोग कारोबार रात ही में करें। हाकिम खुद रातों को सवार होकर निकलता और दरबार मुनक्कद करता। दुकानें रात को खुलती थीं, वर्ष रात दिन से बदल गई जिसकी वजह से जराइम में इजाफा हुआ। बस तरकारियों का इस्तेमाल ममनुआ करार दिया गया कि जो शख्स उनको खरीद व फरोख करेगा या उनको खाएगा उसे सज़ा दी जाएगी। नंबर छः, बास किस्म की मछलियां हराम करार दी गईं। जितनी मछलियां पकड़ने वाले थे इनसे सख्त अहद व पैमान लिया गया कि वो इस किस्म की मछलियां ना पकड़ें वरना ख़िलाफ़ करने वालों को सज़ा दी जाएगी। नंबर सात, शराब नोशी को सख्ती से रोक दिया गया। शराब बनाने वालों को मुतालिक ये हुक्म जारी किया गया कि वो अंगूर ही ना ख़रीदें ताकि शराब तैयार ना हो सके। अंगूर के हज़ारों बेलें काट दी गईं, शहद के हज़ारों मटके नहर में उलट दिए गए। ऐसे मशरूबात भी ममनुआ करार दिए गए जिनमें कुछ नशा हो। नंबर आठ, शतरंज पर पाबंदी आयद की गई, इसके तमाम मोहरे नज़र आतिश कर दिए गए। नंबर नौ, औरतों को घर से निकलने पर पाबंदी आयद की गई। मोचियों को हिदायत की गई कि इनके जूते ही ना बनाएं ताकि ये बाहर ना निकलें। नंबर दस, रक्स व सुरूर की महफिलों को गैर कानूनी करार दिया गया। नंबर 11, हर जगह से तस्वीरें मिटवा ली गईं। इन अहकाम पर 10 साल तक अमल होता रहा, फिर इसने अक्सर अहकाम वापस लिए। हाकिम की इब्तदाई हुकूमत से तकरीबन 8-10 साल तक नसारा के साथ वही सलूक किया जाता जो मुसलमानों के साथ किया जाता था। जो हुकूक इन्हें अजीज़ के ज़माने में दिए गए थे इनसे वो बराबर फ़ायदा उठाते रहे। इनमें से बाज बड़े बड़े अहदों पर फायज रहे, लेकिन उन अहदेदारों ने अपने हम मज़हबों की तरफ
दारी शुरू कर दी, जिससे अहले किताब को बड़ा इक्तदार हासिल हो गया और इन्होंने मुसलमान रैयत पर जुलूम शुरू कर दिया। मुल्क में बदनज़मी फैल गई, इनके खिलाफ शिकायात आम हो गए। 395 हिजरी में हाकिम ने अहले किताब के साथ रवादारी का सलूक छोड़कर इन पर सख्तियां शुरू कर दीं और इनसे मुतालिक सख्त अहकाम सादिर किए। नंबर एक, इस्लाम कबूल करें या मुमलिकत फातमिया से निकल जाएं। नंबर दो, अगर नसारा हो तो काला लिबास पहने और अपनी गर्दनों में वजनी सलेबें डालें। नंबर तीन, इन्हें मजहबी ईदें मनाने की ममानत की गई। नंबर चार, अगर यहूद हों तो बाहर निकलने से पहले पीले रंग के इमामे सरों पर रखें और अपनी गर्दनों में गोल लकड़ी की बनी हुई गाय के बछड़े की शक्ल डालें। नंबर पाँच, 398 हिजरी में इनकी इबादतगाहों से मुतालिक औकात जब्त कर लिए गए और मुतद्दिद सलीबें जला दी गईं। इन सख्त अहकाम पर 10 साल तक अमल होता रहा। इसके बाद हाकिम ने आम इजाज़त दी कि अहले किताब चाहें तो अपने मजहब की तरफ लौट सकते हैं। मुसलमानों के साथ सुनो, अलहाकिम के अजीब व गरीब अहकाम हुकूमत के निज़ाम और अहले किताब तक ही महदूद ना रहे, बल्कि मुसलमान भी इनसे अलहदा ना रह सके। इसने मुसलमानों के लिए भी चंद अहकाम जारी किए, जिसमें नंबर वन पर नमाज तरावी का पढ़ना हुक्मन रोक दिया गया। नंबर दो, अजान में सलातु खैर मिन नौम की बजाय हैया अला खैरुल अमल के ऐलान का हुक्म दिया। नंबर तीन, माह रमज़ान के रोज़ों के इब्तिदा अहले सुन्नत रवायत हलाल से करते थे, इन्हें हुक्म दिया गया कि वो ज़ाहरी रवायत हलाल पर अमल ना करें बल्कि हिसाब से रोज़े शुरू और ख़त्म करें। नंबर चार, ईद उल अज़हा की नमाज रोक दी गई। नंबर पाँच, लोगों को मजबूर किया कि वो इस्माइली मज़हब कबूल करें। हाकिम के इन सख्त अहकाम के नतीजा ये हुआ कि मुल्क में आम बगावत फैल गई और 2 साल बाद ही हाकिम को मुसलमानों से मुतालिक काबिल एतराज़ अहकाम मनसूख करने पड़े। अबू अक़ूद का असल नाम वलीद बिन हशाम बिन अब्दुल मालिक है, जिसने ज़माने में हाकिम अहल एक किताब व अहल सुन्नत पर सख्तियाँ कर रहा था। अबू अक़ूद ने हाकिम के खिलाफ खुरूज किया। बज़ाहिर बड़ा मुत्तकी था, लेकिन दरपर्दा वो बनू फातिमा के सख्त दुश्मन था। वो पहले मिस्र गया और वहाँ फन हदीस की तालीम पाने के बाद बुरका पहना। वो कहता था कि मजहबी किताबों में लिखा है एक दिन वो मिस्र का बादशाह बनेगा और बनी फातिमा से इंतकाम लेगा। इसने अहले कुतामा को अपने साथ मिला लिया और बनू कर्रा अबू अक़ूद का साथ दिया। वो एक बड़ी तादाद के साथ बरफा पर हमला आवर हुआ। बरका का हाकिम इसके मुकाबले में शिकस्त खा गया। हाकिम फातिमी खिलाफत में अजीब सीरत का मालिक था। मकरेजी के बयान के मुताबिक हाकिम जोरो अदल, खौफ दामन, नस्क व बिद्दत के दरमियान मुस्तरब है। हाकिम के अजीब अहकाम के बावजूद इसका दौर कारनामों से भी खाली ना था। 395 हिजरी में इसने दारुल उलूम कायम किया। इसकी असली गर्ज वग़ैयात शियाई उलूम की इशात थी, मगर इसमें कारी, फकीहा, अदीब, मुनज्जिम और तबीब वगैरह भी मुकर्रर किए गए। इस मदरसे के साथ एक कुतुब खाना भी खुलवाया गया, जिसमें किस्सा शाही की तमाम किताबें मुंतकिल की गईं। इसमें तमाम चीज़ें फराहम की गईं। दूर दूर से लोग इससे इस्तफादा के लिए आने लगे। इससे जाहिर होता है कि हाकिम को इल्म फ़न से भी दिलचस्पी थी। हाकिम ने कुतुब खाने, रसदगाहें बनवाईं और अपने ज़माने के मशहूर हियत दां अली बिन यूनुस को हुक्म दिया कि एक मुफसल सेज तैयार करेंगे। हाकिम को मस्जिदों की तामीर और उनकी आराइश से भी दिलचस्पी थी। जामेउल हाकिम सबसे बड़ी और शानदार मस्जिद है, जिसकी बुनियाद अल-अज़ीज़ ने रखी थी और हाकिम ने इसे मज़ीद वसत दी। हाकिम अक्सर गधे पर सवार होकर जबल मकतम तरफ घूमा करता था।
एक रात वह हिजब आदत अपने महल से निकला लेकिन वापस ना लौटा। तलाश करने पर पता चला कि जबले मक्तम के करीब इसका गधा मुर्दा हालत में था। लोग इसकी तलाश में हलवान के मशरिक की जानिब गार तक पहुँचे जहाँ हाकिम की कमीज पाई गई जिस पर खंजर के निशानात थे, जिससे पता चलता है कि उसे कत्ल किया गया। बाद मौरखीन इसके कत्ल को इसकी बहन सत्तल मलुक की साजिश का नतीजा समझते हैं जो इसकी बद एतमालियों पर टोकती थी। 411 हिजरी में इसके दौरे खिलाफत ख़त्म हुआ। अलज़ाहिर 411 हिजरी तो 427 हिजरी, हाकिम के गायब होने के बाद 411 हिजरी में इसका बेटा अबुल हसन अली अलज़ाहिर तख्त पर बैठा। अलज़ाहिर ने तकरीबन 16 साल हुकूमत की लेकिन इन 16 सालों में इसने कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया। वो अपना सारा वक्त ऐश इशरत और लहू लाभ में सर्व करता था और अमूर सल्तनत से उसे कोई दिलचस्पी ना थी, जिसकी वजह से इसके ज़माने में बदअमनी आम हो गई और लूट मार के वाक़ात बढ़ गए। 3 साल तक मिस्र में कैद रहा। अलगर्ज फातमी खिलाफत में ज़ाहिर का दौर कामयाब ना हो सका और फातमी खिलाफत सवाल की दौराहे पर जा खड़ी हुई और 427 हिजरी में इसने वफात पाई। अल मुस्तनसर बिल्लाह 427 हिजरी तो 487 हिजरी, अलज़ाहिर के बाद इसका बेटा अबू तमीम मात तख्त नशीन हुआ। इसने अपना लकब अल मुस्तनसर बिल्ला इख्तियार किया। अल मुस्तनसर भी तख्त नशीनी के वक्त बहुत कम सिन था, इसकी उम्र सिर्फ 7 बस थी, इसलिए अमली तौर पर हुकूमत करने के काबिल न था। अबू तमीम मात अल मुस्तनसर बिल्ला की हुकूमत को चंद बातों की वजह से जो इम्तियाज़ हासिल हुआ वो दूसरे फातमीन को नसीब ना हो सका। नंबर 1, इसका नाम का खुतबा बगदाद और इराक के दूसरे शहरों में 1 साल तक पढ़ाया गया। नंबर 2, इसके ज़माने में इसके दाई अली बिन मोहम्मद ने तकरीबन तमाम यमन फतह कर लिया। नंबर 3, इसकी हुकूमत का ज़माना फातमीन और गैर फातमीन हाकिमों के ज़माने से ज़्यादा तवील है। नंबर 4, बहुत कम सनी में हुकूमत मिली थी। नंबर 5, मुस्तनसर के ज़माने खिलाफत में बलाद मगरिब और शाम बनू फातिमा की हुकूमत से निकल गए। नंबर 6, मिस्र में इसके ज़माने में ऐसा कहत पड़ा जो पहले कभी ना पड़ा था। इसके ज़माने में मिस्र का फितना उठा, फिर शाम में बगावत हुई जिसको सवाल की इब्तदा कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता शाम के इलाके इनके कब्ज़े से निकल गए। इस तरह त्राबलिस, त्यूनस, मराकश और दीगर सूबे फातमी असर से निकल गए। शुमाल अफ्रीका जहां फातमी तहरीक की नशोनुमा हुई और फातमी खिलाफत कायम हुई थी वो भी फातमियों के हाथ से जाता रहा। इस तरह पूरा बलाद मगरिब फातमीन के कब्ज़े से निकल गया। दाई इद्रीस का बयान है कि मुस्तनसर अपनी रियाया के साथ शफकत व एहसान से पेश आता था, कभी किसी पर इसने जुल्म नहीं किया। मुजरिमों का जुर्म अक्सर माफ़ कर देता था। इसके अहद में हर शख्स आज़ादी के साथ अकायद पर अमल करता था। जो खून रेजी इसके ज़माने में हुई इसका ज़िम्मेदार वो नहीं थे। मुस्तनसर के अहद में फातमियों को उरूज हासिल हुआ लेकिन इसकी के अहद में कुछ हालात ऐसा पैदा हुए कि फातमी हुकूमत कमज़ोर हो गई। मुस्तनसर के अहद में इंतशार और तफरका भी फैला और मजहबी झगड़े भी हुए जिसने इस्माइली फ़िरके को 2 फ़िरकों और ग्रोहों में तकसीम कर दिया। इनमें से एक नज़ेरिया और दूसरा मस्तूलिया कहलाया। नज़ेरिया फ़िरका का बानी हसन बिन सबाह था जो ईरानी नस्ल था। नासिर खुसरो के अज़ीर असर वो इस्माइली बना और मिस्र आया। यहाँ इसने तालीम हासिल की और साथ ही सियासी उमूर में भी दिलचस्पी ली। मुस्तनसर के 3 बेटे इमामत के दावेदार थे। पहला बेटा नवजार, दूसरा बेटा अब्दुल्ला, तीसरा अहमद। मिस्र के इस्माइली बाशिंदे अहमद की इमामत चाहते थे और इबन सबा नवजार की खिलाफत व इमामत का ख्वाह था, इसलिए इनमें 2 ग्रोह
व दो मजहबी फिरके पैदा हो गए। नज़ार के पैरो नज़ेरिया कहलाए और अहमद के हामी मस्तूलिया क्यों, क्योंकि इसका लकब मस्तली था। 487 हिजरी में मुस्तनसर ने इंतकाल किया। इसकी मौत के मुतालिक बयान है कि जहर की वजह से इसका इंतकाल हुआ। इसकी मुद्दत खिलाफत 8 साल और 4 माह थी। फातिमी हुकूमत के आखिरी खलीफा और जवाल। फातिमी हुकूमत की शान शौकत तो अलअज़ीज़ की वफ़ात के बाद ही ख़त्म हो गई थी और हुकूमत में जवाल के आसार हाकिम के बाद से ही शुरू हो गए थे, लेकिन इसमें इजाफा मुस्तनसर के अहद में हुआ। मुस्तनसर के बाद या के बाद दीगरे 6 खलीफा बरसरे इक्तदार आए, लेकिन इनमें से कोई भी फातिमी खिलाफत को दौरे जवाल से ना बचा सका। ज़ेल में फातिमी खिलाफत के जवाल के खलीफा के नाम और मुद्दत खिलाफत जो मुस्तनसर के बाद या के बाद दीगरे तख्त खिलाफत पर बैठे। नंबर 1 अल मुस्तली 487 हिजरी था 495 हिजरी। अल आमिर बाहकमुल्ला 495 हिजरी था 524 हिजरी। अल हाफिज 524 हिजरी था 544 हिजरी। अल ज़ाफ़िर 544 हिजरी था 549 हिजरी। अल फ़ाइज़ 549 हिजरी था 555 हिजरी। अल आफिद आखिरी खलीफा रहा जो 555 हिजरी था 567 हिजरी तक रहा। मुस्तनसर ने अपने सबसे बड़े लड़के नज़ार को अपना जानशीन नामजद किया था, लेकिन वज़ीर फजल और नज़ार के दरमियान देरीना रंजिश थी, लिहाजा इसको डर पैदा हुआ कि अगर वह खलीफा बनाया गया तो इससे बदला लेगा। चुनाचा इसने मुस्तनसर की बहन को आमादा किया और नज़ार को वली अहदी से खारिज करके मुस्तनसर के छोटे लड़के अलकासिम अहमद को खलीफा बनाया जाए। चुनाचा 487 हिजरी में अहमद अल मुस्तली बिल्लाह के खिताब से खलीफा हुआ, लेकिन वो बराए नाम खलीफा हुआ और नज़ार मुल्क से निकलकर इस्कंदरिया पहुंचा, जहां नसीरुल दौला गवर्नर इस्कंदरिया ने नज़ार की खिलाफत का ऐलान कर दिया और इसको मुस्तफ़ा दीनुल्लाह का खिताब दिया। एक बड़ी जमात जो फजल के ख़िलाफ़ थी नज़ार के झंडे तले जमा हो गई, लेकिन 488 में फजल ने इसको शिकस्त देकर कत्ल कर दिया। अलमुसली बराए नाम हुक्मरान था और फातिमी मुमलिकत की बागडोर फजल के हाथों में भी थी। इसने हत्तुल इम्कान तदब्बुर और होशमंदी से निज़ाम चलाया, लेकिन पहली सलीबी जंग ने हुकूमत की बुनियादें हिला दी और फलस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकलकर सलीबियों के कब्ज़े में चला गया। सलीबी जंगों की तफसील हम सलीबी जंगों के उन्वान से बनने वाली वीडियो में बयान करेंगे। 495 हिजरी में मुसली का इंतकाल हुआ और फजल ने इसके कमसन बेटे को आमिर का लकब देकर तख्त पर बिठाया, जिसने होश संभालने के बाद फजल को कत्ल करवा दिया और तमाम इख्तियारात खुद संभाल लिए। लेकिन बहुत जल्द वो खुद जालिम व जाबिर बन गया और जो इल्ज़ामात वज़रा पर लगे थे वो खुद अब खलीफा की ज़ात पर लगने लगे। फिरका नज़रिया ये हमेशा आमिर के कत्ल की फ़िक्र में रहता था। वो इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे कि हुकूमत नज़ार की औलाद में मुंतकिल हो। अपनी इस ख्वाहिश को तकमील के लिए उन्होंने आमिर के कत्ल का मंसूबा बनाया और आमिर ने अपनी एक बदी महबूबा के लिए जज़ीरा रोज़ा में एक सैरगाह बनवाई थी जो अल होज के नाम से मंसूम थी। एक रोज़ वह इसी सैरगाह को जा रहा था कि इसका गुज़र जब जज़ीरा और मिस्र के माबेन पुल पर से हो गुज़रा तो इसके लश्कर ने इससे अलहदा हो गया, क्योंकि पुल पर रास्ता तंग था। जैसे ही आमिर यहाँ से गुज़रा, नज़ारियों के मंसूबे के मुताबिक 10 आदमियों की जमात अपनी तलवारें लेकर इस पर टूट पड़ी जो आसपास छुपे हुए थे। इस तरह जमात ने 524 हिजरी में आमिर को कत्ल कर दिया। आमिर के बाद इसके चचाजद भाई अब्दुल मजीद को अल हाफिज़ुद्दीनुल्लाह का लकब देकर
तख्त पर बिठाया गया, क्योंकि आमर की औलाद कोई ना थी। इसकी बीवी हामला थी, इसलिए इसने इंतकाल से पहले वसीयत की थी कि मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरा लड़का पैदा होगा, इसलिए मेरे बाद मेरा वही लड़का जानशीन होगा। और इस वक्त तक अब्दुल मजीद बहैसियत नायब के उमूर सल्तनत सरंजाम देगा। चुनाचा इस हैसियत से अब्दुल मजीद के हाथ पर बैत की गई, लेकिन आमिर के हाँ लड़की पैदा हुई। इसी मस्तूलून का कहना है कि आमिर के बाद फातिमी आयमा का दौर ख़त्म होकर नायबीन का दौर शुरू हो गया था। 544 हिजरी में हाफिजुद्दीन का इंतकाल हो गया और इसका छोटा लड़का अबू मंसूर इस्माइल जानशीन हुआ और अल ज़ाफ़िर बमिनुल्लाह का लकब इख्तियार किया। अल ज़ाफ़िर बहुत ज़्यादा ऐश परस्त साबित हुआ। इसका सारा वक्त ऐश व निशात तफरीहात में सर्फ होता था और हुकूमत की बाग दौड़ इसके वज़ीर इबन सलाह के हाथ में थी। इबन सलाह के बेटे अब्बास और अल ज़ाफ़िर की बाहमी दुश्मनी पैदा हो गई, जिस पर अब्बास ने ज़ाफ़िर को कत्ल करा दिया और इसके छोटे बेटे अबुल कासिम को अल्फाइज के लकब से 549 हिजरी में तख्त खिलाफत पर बिठाया, जबकि इसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी। इसने अपने बाप की लाश देखी तो इस कदर खौफजदा हुआ कि मिर्गी के मर्ज में मुबतला हो गया और 11 साल की उम्र में ही इसका इंतकाल हो गया। 555 हिजरी में अल्फाइज के इंतकाल के बाद इसके भतीजे आजिद को खलीफा मुंतखब किया गया, जो फातिमी खिलाफत का आखिरी खलीफा साबित हुआ। आजिद ने खिलाफत कबूल की और हुकूमत मिस्र का मुख्तार कुल बन गया। अंदरून और बैरून कसर खिलाफत इसके अहकाम पर चलते थे। इसने हुकूमत के बड़े बड़े मदब्बिर को, जो उसकी राह में मुजाहम हुए, कायरा से बाहर के मकाम भेज दिया। इसने लोगों की जायदादें जब्त कर लीं, भारी जुर्माने आयद किए। इसके जुल्म इस्तेबाद से शरफा काहिरा छोड़कर भाग गए, लेकिन सख्त इंतजाम के बावजूद भी आखिरी खलीफा साबित हुआ और इसके दौर में सलीबियों ने मिस्र पर शदीद हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मिस्र की फातिमी खिलाफत ने जंगी हुकूमत से इमदाद तलब की। चुनाचा नूरुद्दीन जंगी ने शेरशाह को की इस क़यादत और सलाउद्दीन की मुईयत में एक फ़ौज मिस्र भेजी, जिसने सलीबियों को शिकस्त देकर पसपा होने पर मजबूर किया। इस दौरान आजिद का वजीर शावर कत्ल हुआ तो इसने शेरकोह को कलमदान वजारत सौंपा। शेरकोह के इंतकाल के बाद सलाउद्दीन अयूबी वजीर बना। इसके दौरे खिलाफत में आजिद का इंतकाल हुआ और सलाउद्दीन अयूबी इसकी जगह हुक्मरान हुआ, जिसने दौलत अयूबिया की बुनियाद डालकर अब्बासी खुलफा का खुतबा जारी किया। इस तरह 567 हिजरी में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने हुकूमत की बुनियाद डाली और मिस्र की तारीख का नया बाब शुरू हुआ, क्योंकि फातिमी खिलाफत बगदाद की अब्बासी खिलाफत की हरीफ मुकाबल थी। लिहाजा इसके खात्मे पर बगदाद में बेपनाह खुशी का मुजाहरा किया गया। खलीफा ने जश्न मसरत मनाया और नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन और मिस्र के खतीबों को इनके मरातिब के लिहाज से खिलतें और अपना निशान सियाह अलम भेजे। अलगर्स फातिमी खुलफा ने एक आलमगीर और वसी सल्तनत और एक आला तहजीब की बुनियाद रखी थी, जिससे करीब करीब मशरिक नाकवाकिफ था। ये तहजीब अपने बेमिसल इदारती निज़ाम, अपने फ़नून और अपने फ़ौजी निज़ाम की वजह से इम्तियाजी हैसियत रखती थी। इस दौर में मिस्र की सरजमीन इल्म व फ़न और तहजीब व तमद्दुन का गहवारा थी। फातिमी खुलफा का दौर हुकूमत इल्मी तरक्की और आला तहजीबी इकदार के लिहाज से पूरे मशरिक में अपनी नज़ीर आप था। तारीख़ इस्लाम के हवाले से होने वाले वाक़यात और हुकूमतों के हवाले से इसी तरह से हमारी मज़ीद वीडियो आती रहेंगी। अब इजाज़त दीजिए डॉक्टर सैयद नवेद को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि कुरान और हदीस पर चलते हुए फिरका वारियत की लानत से बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।